नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, पिछले वर्ष जुलाई के महीने में असम और मिजोरम सीमा पर हुए हिंसा को आप अभी भूले नहीं होंगे, जिसमें आधे दर्जन पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस बार ताज़ा हिंसा हुआ है असम मेघालय सीमा पर, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं। हालांकि इस घटना को सीमा विवाद के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि जहां इस हिंसा के बाद असम और मेघालय के सीमाई इलाकों में तनाव बन गया, वहीं इसकी तपिश मेघालय की राजधानी शिलांग तक पहुंच गई और वहां भी असम नंबर प्लेट वाली एक एसयूवी व्हीकल को जला दिया गया। हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पहले बताएंगे असम मेघालय में घटी हिंसा के बारे में, फिर जानेंगे असम मेघालय सीमा के बीच चले आ रहे 50 साल पुराना सीमा विवाद आखिर है क्या। लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 22 नवंबर को असम और मेघालय सीमा पर एक बार फिर से हिंसा की घटना घटी। असम के वेस्ट कार्बी एंगलोंग जिले में असम मेघालय सीमा पर कथित तौर पर अवैध लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को असम के वन कर्मियों द्वारा रोकने के बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 मेघालय के नागरिक हैं और एक असम का वन्य कर्मी है। खबरों के अनुसार सीमा से सटे जंगल से कुछ लोग ट्रक में अवैध रूप से लकड़ी भरकर ले जा रहे थे, तभी वन विभाग की टीम ने उन्हें मुकरोह के पास रोका तो मेघालय की ओर से भीड़ ने हमला कर दिया और इसके बाद हिंसा भड़क उठी और देखते ही देखते 6 लोगों की मौत हो गई। उस घटना के दूसरे ही दिन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा घटनास्थल पर गए और हालात का जायजा लिया। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भी घटना की जांच सीबीआई से करवाने की आश्वासन दिया है। इसका साथ सीमाओं का कोई विवाद नहीं है, यह फॉरेस्ट का कोई टिम्बर के इशू में fight broke out between forest people and the villagers and as a result people died. So हमने judicial inquiry का ऐलान कर दिया हूँ, investigation भी हमने CBI और NI के लिए refer कर दिया हूँ, monetary compensation has been announced, people responsible has been put under suspension. दोस्तों, ये तो थी घटना जिसे सीमा विवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी अपने एक बयान में ऐसा ही कहा है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब असम और मेघालय सीमा पर हिंसा हुई हो। दोनों राज्यों के बीच सीमा को लेकर विवाद काफ़ी पुराना है और ये पिछले 50 सालों से चला आ रहा है। असम मेघालय सीमा पर इसी विवाद को लेकर अक्सर हिंसा की खबरें आती रहती हैं। तो चलिए समझते हैं असम मेघालय सीमा विवाद। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी साल जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इंटरस्टेट सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तब ये समझा जा रहा था कि असम और मेघालय के बीच चल रहा 50 साल पुराना विवाद अब सुलझ गया है। लेकिन ताज़ा घटना से ऐसा लग नहीं रहा है कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद का मसला सुलझ गया हो। दोस्तों, आपको बता दें कि 1970 से पहले मेघालय असम का ही एक हिस्सा हुआ करता था। 1970 में ये असम से अलग होकर एक ऑटोनोमस स्टेट बना और बाद में 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिल गया। भारत में ज़्यादातर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है, लेकिन पूर्वोत्तर में राज्यों का गठन पहाड़ियों की स्थितियों के आधार पर हुआ है। जब मेघालय को असम से अलग किया गया तो बंटवारे की रेखा खासी और गारो समुदाय की आबादी के बीच से होकर गुजरी। नतीजा ये निकला कि दोनों समुदाय के काफ़ी लोग मैदानी इलाके में रह गए। उसके बाद इन लोगों के विकास को लेकर भी विवाद की जंग शुरू हो गई। अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो रहते तो असम में हैं, लेकिन उनका नाम मेघालय की मतदाता सूची में दर्ज है। जब वर्ष 1972 में मेघालय राज्य बना था, तब उसने असम पुनर्गठन कानून 1971 को चुनौती दी थी, जिससे 885 किलोमीटर लंबी साझा सीमा के विभिन्न हिस्सों में 12 इलाकों को लेकर विवाद पैदा हो गया था। विवाद वाले ये 12 इलाके हैं ताराबारी, लोंगपी, बोरद्वार, गिजांग रिजर्व फॉरेस्ट, बोकलापाड़ा, हाहिम,
लोंगवा, मातमूर, खानापाड़ा, पिलंगकाटा, देश देमोरा ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, रेडचेरा और खंडूली, क्योंकि दोनों राज्य इन इलाकों में अपना अपना दावा करते रहे हैं। यही वजह है कि बार बार इन इलाकों में झड़पें होती रहती हैं और दोनों राज्यों के पुलिस भी आमने सामने आ जाते हैं। हालांकि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अतीत में भी कई प्रयास किए गए हैं। 1985 में असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कैप्टन WVA सांगमा ने भी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूर के नेतृत्व में एक आधिकारिक समिति का गठन किया था, हालांकि कोई समाधान नहीं निकला। जुलाई 2021 से असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने की दिशा में कई दौर की बातचीत की और कुछ पॉजिटिव नतीजे भी निकले, लेकिन अब ताज़ा घटना के बाद लोग एक बार फिर ये सोचने लगे हैं कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद खत्म होगा या नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि दोनों राज्यों की सरकारें अपनी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही हैं कि 5 दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद का हल ढूंढ लिया जाए। पिछले कुछ सालों में लगातार दोनों राज्यों के बीच समझौते हो रहे हैं। माना जाता है कि 70% क्षेत्रों को लेकर जारी विवाद का निपटारा भी हो चुका है। साल 2019 में अमित शाह ने के गृह मंत्री बनने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई समझौते किए गए हैं। इसी साल असम और मेघालय के बीच भी एक समझौता हुआ था, जिसके बाद कहा गया कि 12 में से 6 जगहों का विवाद सुलझ गया है। इन 6 जगहों के नाम हैं ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बकलापाड़ा, खानापाड़ा, पिलंगकाटा और रातचेरा। इस समझौते में कहा गया कि असम 18.51 वर्ग किलोमीटर जमीन अपने पास रखेगा और 18.28 वर्ग किलोमीटर मेघालय को दे देगा। ये जमीन कुल 36 गांव में फैली हुई है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि असम के साथ सीमा विवाद और भी राज्यों के साथ हैं। असम 2743 किलोमीटर सीमा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल से साझा करता है। मेघालय के अलावा नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ भी असम का सीमा विवाद है। अरुणाचल प्रदेश के साथ भी आए दिन सीमा विवाद होता रहता है। जुलाई 2021 में असम के कछार जिले में असम और मिजोरम पुलिस के बीच भीषण हिंसा हुई थी, जिसमें असम पुलिस के 6 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसके बाद केंद्र को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। बहरहाल, पूर्वोत्तर में राज्यों के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिए कई क्षेत्रीय समितियां बनाई गई हैं। इसके अलावा जिला स्तर और राज्य स्तर की समितियां भी विवाद को हल करने के लिए काम कर रही हैं और आशा है कि आने वाले समय में सभी राज्यों में चले आ रहे वर्षों पुराना सीमा विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इसे शेयर कीजिए। थैंक्स बटन दबाकर आप मेरी मदद भी कर सकते हैं और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो स्टार भेजकर भी आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद चैनल को आगे बढ़ाने में बड़ा हौसला देता है। अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।